पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर राजनीतिक दबदबे की बात करें, तो सिटिंग एमएलए भाजपा के हैं, इससे पहले भी वो एक बार एमएलए रह चुके हैं और यहाँ पर सपा और बसपा को भी मौका मिल चुका है, यानी इस सीट से सभी राजनीतिक दलों को समय समय पर मौका मिलता रहा है। आइए और आगे चलते हैं और लोगों का मूड समझते हैं। हमारा मूड यही जो वर्तमान सरकार है वही रहे, बस ये कि बस मोहनदास विधानसभा के जो विधायक हैं उसको बदल दिया जाए, क्योंकि अब तक हमें लगता है जब से हमने होश संभाला, जब से जानकारी हुई राजनीति के बारे में, कोई ऐसा विधायक नहीं आया मोहनदास में जो कुछ काम करे। योगी सरकार में महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, हर वर्ग के लोग परेशान है, चाहे धंधा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे जो भी हो, सारे लोग परेशान है। चुनाव में हम जो लोकल प्रत्याशी है हम उसको जिताना चाहते हैं। लोकल प्रत्याशी किस पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी का। आप बताएं आपका क्या मूड बन रहा है इस बार आने वाले चुनाव? बदलाव का मूड बन रहा है। बदलाव के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? बदलाव का चेहरा कौन? बदलाव का चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन इस बार बदलाव के मूड में। अभी तो वर्तमान में भाजपा का योगी जी का जो किसानों के लिए सहयोग की दिया, जो खाते में डायरेक्ट पैसा भेजे किसान क्रेडिट का, और तरह तरह के योजनाओं में जो उन्होंने काम किया है, इसलिए अभी योगी जी का हम लोग सपोर्टर हैं। सपा। कारण? कारण बेरोजगारी। अच्छा, कब से बेच रहे हैं आप अनार का काम? कब से? फल का। 10 साल। 10 साल तो फिर बेरोजगारी कैसे प्रभावित करती है? बिक नहीं रहा है सर, देखिए 100 रुपये का बिका है, आदमी के पास पैसा रहेगा तो भी खरीदेगा, पैसा नहीं है खरीद नहीं रहा है। आपको लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और भी जो तमाम मुद्दे हैं उसकी वजह से सरकार बदल देनी चाहिए? सरकार नहीं बदलना चाहिए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारी तो बेरोजगारी। तो फिर भी सरकार बदले बगैर कैसे होगा? अब सरकार तो जनता बदलेगी, 2022 देखा। आप बदलाव के साथ? जी, महंगाई हमें पसंद है, देश सुरक्षित रहे बस यही चाहते हैं, देश सुरक्षित रखना एक ही काम है, वो बीजेपी ही कर सकती है बस। देश की सुरक्षा से क्या अर्थ है आपका? मतलब जो आतंकवाद हमारे देश से ख़त्म हो रहा है, आज जो लोग हमारे देश में घुसते चले जा रहे हैं, कब्जा करते चले आ रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा सिर्फ बीजेपी के अलावा। चाहे जितना भी लोग चिल्ला लें कोई उससे मतलब नहीं होगा, चाहे जो भी आवे उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, 300+ जाएगी।